2 जनवरी के बाद हफ्ते भर के दौरान आज देश के 736 जिलों में ड्राई रन का दौर चला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ड्राई रन के मौके पर चेन्नई में मौजूद रहे। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई मुकाम पर पहुंच गया है। साल के दूसरे ड्राई रन के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमिलनाडु के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल का दौरा किया। भारत ने 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इससे पहले 2 जनवरी को देश के करीब 125 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया था। हम आपको बता दें कि आज के ड्राई रन को फाइनल माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के 2 दिन पहले के बयान पर गौर करें तो अब जल्द ही टीकाकरण की तारीख भी सामने आने वाली है। आने वाले समय में जिस प्रकार का हमारा प्लान है उसके हिसाब से हम लोगों को वैक्सीनेशन करना शुरू करेंगे। वैक्सीनेशन का इंतजार खत्म होने वाला है। 2 दिन पहले कहा गया था कि 10 दिन के अंदर वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो सकता है। 28-29 दिसंबर 2020 पहला ड्राई रन, 2 जनवरी 2021 दूसरा ड्राई रन, 8 जनवरी 2021 तीसरा ड्राई रन। कोरोना संक्रमण पर चौतरफा वार को लेकर 3-3 ड्राई रन से देश गुजर चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीनेशन की तैयारियों की सफलता के लिए पीएम मोदी और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद किया। उधर कोरोना वैक्सीन के सवालों पर मॉडर्ना का दावा, मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन का सालों तक असर रहने वाला है, संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, ये बात भी मॉडर्ना के सीईओ ने कही है। कहा जल्द साबित करेंगे कि नए स्ट्रेन पर भी कारगर है मॉडर्ना की वैक्सीन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।